अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ सलावा तालिबात, 38वें दिन आपको तहरीरी महारत खुलासा नवेसी से मुतालिक सरगर्मी दी गई है। इसमें एक इक्तबास आपको दिया गया है नेल्सन मंडेला का, इसको आपको इसका खुलासा करना है। इसका खुलासा किस तरह लिखते हैं, इसके लिए एक तरीक़ा तो यह है कि आप इस इक्तबास ही के अल्फाज को मुख्तसर करके खुलासा तहरीर करें, और एक तरीका यह है कि आप इसको अच्छी तरह पढ़ लें, इसके अहम पॉइंट्स आप ध्यान में रखें और उसको अपने अल्फाज में लिखें। दोनों तरीक़े से खुलासा लिखा जा सकता है। ये बहुत अहम सरगर्मी है, इसलिए कि खुलासा लिखना यकीनन एक मुश्किल काम है, लेकिन अगर आप मश्क करें तो फिर ये मुश्किल नहीं रहता। तो अब जैसे मिसाल देता हूँ मैं कि यहाँ हम इक्तिबास पढ़ते हैं और किस तरह इसका खुलासा करना है, एक नमूना आपके सामने पेश करता हूँ कि जिस तरह हमारे मुल्क पर अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, इसी तरह जनूबी अफ्रीका भी अंग्रेज़ों का ग़ुलाम था। जनूबी अफ्रीका की 90% आबादी सियाफाम कबायली नस्लों पर मुश्तमिल है, लेकिन इस कसीर आबादी पर 10% गोरे अंग्रेज़ हुकूमत करते थे। अब ये इतनी बड़ी इबारत हमने पढ़ी, तो अब हम इसको मुख्तसर कैसे लिख सकते हैं। हमारे मुल्क की तरह जनूबी अफ्रीका की 90% सियाफाम कबायलियों पर 10% गोरे हुकूमत करते थे, ये हमने उसको मुख्तसर कर दिया। और आगे अब जुमला देख रहे हैं, वो सियाफाम आबादी पर जुल्म सितम करते और उनके साथ नस्ली इम्तियाज़ बरतते थे। सियाफामों को बराबरी का दर्जा हासिल नहीं था। इस नस्ली इम्तियाज़ के ख़िलाफ़ नेल्सन मंडेला ने आवाज़ उठाई और सारी उम्र जनूबी अफ्रीका की आज़ादी के लिए जद्दोजहद करते रहे। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हम इस तरह लिख सकते हैं कि सियाफाम आबादी पर अंग्रेज़ों के जुल्म और नस्ली इम्तियाज़ के ख़िलाफ़ नेल्सन मंडेला ने आवाज़ उठाई। इसमें ये बात भी आ गई कि वो उनके खिलाफ उनको जुल्म सितम का निशाना बनाते थे और नस्ली इम्तियाज़ बरतते थे, तो ये ख़ुद ब खुद उसमें शामिल हो गया। और ये बात भी आ गई कि नेल्सन मंडेला ने उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। तो आपने बहुत मुख्तसर जुमले में आप इस तरह उसको बयान कर सकते हैं कि सियाफाम आबादी पर अंग्रेज़ों के जुल्म सितम और नस्ली इम्तियाज़ के ख़िलाफ़ नेल्सन मंडेला ने आवाज़ उठाई। उसके बाद आप देख रहे हैं नीचे नेल्सन मंडेला का पूरा नाम, नेल्सन मंडेला का पूरा नाम नेशनल लोली लाबला मंडेला था। तो अब आप क्या करेंगे कि ये इस पैराग्राफ कैसे मुख्तसर करेंगे। वो 18 जुलाई 1918 को पैदा हुए, उन्होंने कानून की पढ़ाई की और जोहान्सबर्ग में वकालत करने लगे, यहीं से वो जनूबी अफ्रीका की आज़ादी की तहरीक में शामिल हो गए। तो अब पूरा नाम था लिखने के बजाय नेल्सन डायरेक्ट लिखेंगे, नेल्सन रोली लाबला मंडेला 18 जुलाई 1918 को पैदा हुए और कानून की पढ़ाई करने के बाद उन्होंने जनूबी अफ्रीका की तहरीक आज़ादी की तहरीक में हिस्सा लिया। इस तरह आप मुख्तसर कर देंगे उसको। 1944 में नेशनल कांग्रेस में शामिल होकर यूथ लीग की बुनियाद डालने की बिना पर उन्हें अंग्रेज़ों ने गिरफ़्तार कर लिया और 1990 में उन्हें रिहा कर दिया गया। 1994 के इलेक्शन में नेल्सन मंडेला की क़ियादत में अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को अक्सरियत हासिल हुई और वो पहले सदर बने, सियाफाम सदर बने, और उनकी कोशिशों को कुर्बानियों को सराहा गया। इस तरह से आप उसका खुलासा लिखेंगे। अब ये तो एक तरीका हुआ, और एक तरीका कैसे हुआ कि आपने ये पूरा लिखा, इसमें से अहम बातें नोट की, और अहम बातें नोट करने के बाद अपने अल्फाज में आपने लिखा कि अफ्रीका के सियाफाम कबायली नस्लों पर अंग्रेज़ों ने जुल्म सितम और नस्ली इम्तियाज़ कायम किया हुआ था, जिसके ख़िलाफ़ नेल्सन मंडेला ने आवाज़ उठाई। नेल्सन रोली अबला लाबला मंडेला
18 जुलाई 1918 को पैदा हुए और कानून की पढ़ाई करने के बाद वो वकालत करते हुए वो आज़ादी की तहरीक में शामिल हो गए। 1944 में उन्होंने यूथ लीग की बुनियाद डाली और जिसकी बिना पर उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया और 1990 में उनको रिहा किया गया। 1994 के इलेक्शन में वो पहले सदर मुंतखब हुए। इस तरह से आप अपने अल्फाज में इसको लिखेंगे तो इस तरह आप खुलासा नवेसी की मशक कर सकते हैं। और ये बहुत अहम चीज़ इसलिए भी है कि आपके बोर्ड के इम्तहान में 6 मार्क के लिए पूछी जाती, तो आप बहुत ध्यान से इसको हल करें, मशक करें। इसकी मशक करने के बाद ही आपको ये आएगा। तो आप खुलासा यहाँ लिखेंगे। अब ये समझो मिसाल के तौर पर अगर 10 लाइन का इक्तबास है तो आपको 3.5-4 लाइन में उसका खुलासा लिखना है। तो इसकी मशक आप करेंगे तो इंशाल्लाह आप आसानी से हल कर सकेंगे। उसके बाद हिंदुस्तान के किसी एक मुजाहिद आज़ादी के मुतालिक मालूमात हासिल करके अपनी बयान में लिखिए। अब आप क्या करेंगे कि एक मुजाहिद आज़ादी के बारे में मालूमात पहले हासिल कीजिए इंटरनेट से और उसके बाद उसको अपने अल्फाज में मुख्तसर करके लिखिए। जैसे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को अगर आप देख रहे हैं तो आप उनके बारे में पहले गूगल में सर्च करें, मज़ामीन पढ़ें और अहम मालूमात लिख लें पहले और उसी मज़मून को आप मुख्तसर करके अपनी कॉपी में लिखें। तो इससे आपको खुलासा नवीसी की प्रैक्टिस भी होगी। या आप मौलाना असद मोहानी पे लिख रहे हैं या हिफ्ज़ुर्रहमान सेहरवी या हुसैन अहमद मदनी या महमूदुल हसन देवबंदी, इसी पर भी आप लिख रहे हैं तो आप उनको पढ़ें और उसके बाद उसका खुलासा लिखें। उसके बाद आओ तखयलाती बने। तो आप क्या करना, आपको क्या करना है, किसी अखबार या रिसाले या मैगज़ीन का एक पैराग्राफ लेना है। आप क्या करें, किसी भी किताब का एक पैराग्राफ ले लें, उसका मुताला करें और उसको फिर अपने अल्फाज में लिखें मुख्तसर करके और बाद में अपने असातिज़ा को दिखाएं। तो इस तरह से आपको खुलासा नवेसी की मशक होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।